सो वेलकम बैक ट्रैवल गॉसिप विद दिनेश के साथ। सो आज हमारे साथ है दिनेश जी, और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून जिसे कहते हैं। सो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये दिनेश जी से अवगत करते हैं कि दिनेश जी आज का सफ़र हमारा कहाँ का है और आज हम क्या क्या काम करने वाले हैं। जिस तरीके से मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसमें हमारी क्या भूमिका है, ये हमारे ट्रैवल गॉसिप विद दिनेश जी हैं, ये पूरा इसमें बताएंगे। तो अपनी यात्रा में आज हम पहुंचे हैं कोसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में। तो आज जैसा कि आपको पता है, आज है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज हमारा मेन लक्ष्य ये है कि हम यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये रामनगर वन प्रभाग एवं कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति का संयुक्त प्रयास है। तो आज हम पहुँचे हैं कोसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में, जो कि निकट है चिमट महादेव मंदिर की ग्राम सभा है टेड़ा रामनगर नैनीताल उत्तराखंड। तो ये देखिए, तो आज हम जा रहे हैं अंदर को। ये है कल्पतरु वृक्ष समिति का एक संयुक्त प्रयास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे भारी मात्रा में पौधे लगे हैं। देख सकते हैं पूरा ग्रीन हो रखा है, जितना भी ग्रीन हुआ है वहाँ सब पौधे लगाए गए यहाँ की टीम के द्वारा। तो आगे हम आपको दिखाएंगे अब कि हमने कहाँ कहाँ पर वृक्षारोपण करा है और कैसे कैसे यहाँ पर पौधे लगाए हैं। ये पहाड़ों में भी बहुत होता है, और ये हमने इसकी पन्नी जो है पॉली निकाल दी है। अभी इसे हम सुरक्षित कहीं डस्टबिन में फेंक देंगे। अब देखिए पेड़ लाने की प्रक्रिया चालू है। तो सर बताइए आप कुछ इसके बारे में। इसका गड्ढा हमने तैयार कर रखा पहले, और उसमें हम क्या करेंगे, जितना पौधा पहले मिट्टी के अंदर था उतना ही पौधे को डालेंगे, ताकि ऊपर नीचे नहीं डालेंगे, और उतनी मिट्टी डालेंगे जितने तक पौधे को पहले मिट्टी दी है। और ओरिजिनल मिट्टी निकालेंगे मैंने। ये जो इसका कॉलर है, कॉलर तक ही मिट्टी होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। बाद में मिट्टी डाल करके इसको पाँव से दबा देंगे, क्योंकि इसके ईयर ना चली जाए, तो इसको पाँव से दबाना बहुत जरूरी है। आप जाइए और पाँव डालिए, ऐसे चक्री चलाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं है, हवा जाएगी तो पौधा सूख जाएगा। और इसकी जो ओरिजिनल मिट्टी है वो इंटैक्ट है, उसी के साथ पकड़ लेती है उसको, साथ की मिट्टी के साथ मिल जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालो और इसमें जाल डाल देंगे, पौधा सुरक्षित बन जाए। अभी पानी नहीं भी डालेंगे तो नमी बहुत। अच्छा, इसमें ग्रोथ क्यों होती है एकदम पे, क्योंकि ये मिट्टी जो है गंदी बिल्कुल कम्पैक्ट है, और बाहर आएगी तो खुल जाएगी। अच्छा, खुलेगी तो वो उसको जड़ फैलाने के लिए फायदा वो मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी क्योंकि अच्छा 12 महीने का फूल है।
सदाबहार होता है, सदाबहार इसको एंटी कैंसर प्लांट बोलते हैं क्योंकि इसके पत्तों से कैंसर का इलाज होता है। आप गूगल में जाकर सर्च करिए, आपको कभी पता नहीं था। अरे एक ग्लास पानी में डाला जाए सुबह तो डेली लिया जाए एक दिन छोड़ के तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा। आप गूगल में पढ़िए, इंटरनेट पढ़िए, लोगों ने रिसर्च पेपर लिखे और हमको पता नहीं था क्योंकि ये हमें पता नहीं है या लोग बताते नहीं है। बड़ी बहुत इफेक्टिव प्लांट है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को हम पहुंचे हैं फाइकस गार्डन। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा किसी प्लांट को लगाने से पहले 2-3 सावधानी बरती है। सबसे पहली बात, प्लास्टिक हटाइए। ठीक है, इस प्लास्टिक को बहुत सही जगह से डिस्पोज करना है। दूसरी बात, इसके आसपास जो खरपतवार होती है, ठीक है, क्योंकि ये इसके आसपास का सारा न्यूट्रिएंट ले लेगी, पानी को पी जाएगी। ठीक है, उसको साइड करिए। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लांट बीच में टूटा हुआ है, तो पहले हम इसको लगाएंगे, देन इसका इसको सपोर्ट से, ठीक है, जैसे हम फ्रैक्चर सही करते हैं, तो हमारे मित्र हैं रवि जो एक्सपर्ट है पेड़ों की फ्रैक्चरिंग सही करने में, वो करेंगे। तो ठीक है रवि, हेल्प करिए। ठीक है ना, कोशिश करिए पेड़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका। तो एक प्रयोग है कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ बीच में से थोड़ा सा टूट गया था, तो हमारी टीम है यहाँ पर, तो इसका एक अभी ऑपरेशन होना है हमारे फॉरेस्ट विभाग के हमारे साथियों के द्वारा। तो इसके इसमें इसको जोड़ा जाएगा, इसका फ्रैक्चर जो है वो ठीक किया जाएगा। तो अभी आपको दिखाएंगे, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सीखना चाहिए आपको भी इससे किस तरह से टूटे हुए पेड़ को जीवांत रूप नया जीवन दिया जाता है। तो अभी ये मिट्टी भरने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, उसके बाद फिर एक आपके सामने एक ऑपरेशन होगा, इस टूटे हुए पेड़ को नया जीवन दिया जाएगा। कोशिश करिए आप, इसमें जो है ना इसके बाद ही इसमें कलियां आना शुरू हो जाएंगी, किनारी किनारी। ये सहजन है, सहजन तो टूट गई था। हाँ, अच्छा, बहुत कच्चा पौधा है। इसे सर ने बताया, सर बताइए अगर आप। ये सहजन का पौधा है। अच्छा, सहजन का पौधा है। हाँ, ये करीब करीब 300 टाइप्स की बिजनेस में काम आता है। अच्छा, और ये जो आप ये ड्रम स्टिक है, तो ड्रम स्टिक आप यूनिवर्स है, आप साबर में यूज करते हैं, दाल में यूज करते हैं। और अच्छा, अब इसमें जैसे मान लिया ये है, ये देखिए ये पेड़ का ऑपरेशन हो रहा है। अब ये पेड़ जो टूटा था, इसमें पहले सबसे पहले लकड़ी लगाई गई है ये, और थोड़ा सपोर्ट के लिए इसको, थोड़ा सपोर्ट के लिए, और इसे बीच से बांध दिया गया है, वो भी मतलब इस पेड़ से निकली हुई एक छोटी सी। रही भाई, इसे क्या कहते हैं, इसे आप बांध रहे हैं घास से? अच्छा, आपने कुछ घास से बांधा? हाँ, ये धूप से बांध रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये है, इसका फायदा इस पेड़ का, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। अच्छा, ऐसे एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे बहुत ही सूखा पड़ता है, उसको रोकने का काम करता है। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री है ये। धूप घास है, ये अपने आप ही गल के टूट जाएगी। अच्छा, नुकसान भी नहीं होगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ इस एनवायरमेंट डे में आपको, कि कोशिश करिए आप कुछ भी प्लांट कर रहे हैं, आपको उसकी बेसिक नॉलेज थोड़ी हो तो आपको भी अच्छा है, दूसरों को बताने के लिए भी, तो ठीक है ना। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब हम इसी मुहिम में आगे को बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा फाइकस गार्डन का एरिया है, ये जो आपको ये पेड़ दिख रहे हैं, ये जो ये पेड़ के बचाव के लिए ये इस तरह से इसमें ट्री प्लांट बनाए गए हैं, ये रबर प्लास्टिक के हैं। और ये देखिए, ये यहाँ ये कॉर्बेट का इलाका है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना जाता है वन्य जीवों की वजह से। तो वन्य जीवों से अपने लगाए हुए पौधों को बचाने के लिए ये पूरे प्लांट इस तरह से लगाए गए हैं कि इन्हें एक सुरक्षा कवच भी दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारी टीम है, देखिए पौधे लेके चल रही है। ये देखिए, ये खुदाई चल रही है यहाँ पर, ये हमारे मदन सिंह अधिकारी जी है, ये खुदाई कर रहे हैं। ये हमारे कपिल, ये श्री कृष्ण जी के अवतार हैं बिहारी जी। तो ये देखिए आप यहाँ पर जो है, ये देखिए सारे प्रवासी भेज दिए हैं यार घर, अब ये उत्तराखंड के ही हैं विमानो। तो ये देखिए, ये जैसे लगाया जाता है ना पेड़, सबसे पहले उसका प्लास्टिक उतारा जाता है, कपिल जी ने इसका प्लास्टिक उतार दिया है। इसके बाद आपको ये मानना पड़ेगा सारे प्रवासी घर पहुंचा दिए गए हैं, ये उत्तराखंड में हैं कि उत्तराखंड के हैं। नहीं नहीं, हम तो ही नहीं, श्री कृष्ण जी के अवतार मानते हैं बस। तो ये देखिए, आगे भी ये प्रक्रिया जारी है, ये पूरी टीम है यहाँ पर।
ये देखिए एक और पौधे के लिए एक स्थान बनाया जा रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून के तहत यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। तो यह क्षेत्र है रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस पार्क का नाम है कोसी बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये देखिए ये एक और ये पौधा लगा दिया गया है यहाँ पर हमारे द्वारा। ये किस चीज का पौधा है मदन जी? ये पौधा किस चीज का है? अच्छा आंवला है। तो यहाँ पर लोकेश पांडे जी आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं? ये मालू का है। तो ये देखिए एक ये नया पौधा जो है मालू का, ये मालू का पौधा लगाया जा रहा है यहाँ पर। कचनार है। अच्छा ये पौधा कचनार का है। अच्छा मालू प्रजाति में कचनार। अच्छा तो ये देखिए ये जो प्लास्टिक था, इस प्लास्टिक को उससे निकाल के अब इसे सुरक्षित जगह में जो है डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये देखिए अब एक नया पौधा लगने के लिए तैयार है यहाँ पर। जो हमारी पिंडी बनी हुई है वो। जी जी। रवि जी ये कौन सा पौधा है? ये अच्छा ये आंवले का पौधा है। मोहन जोशी जी द्वारा ये रोपित किया जा रहा है यहाँ पे। काफी समय बाद मोहन जोशी जी ने रामनगर में दर्शन दिए हैं। तो प्रथम बार इनके क्वारंटाइन होने के बाद उन्होंने ये आंवला का वृक्ष यहाँ पे लगाया है और एवरी ईयर ये आके इसकी यहाँ पे सुरक्षा भी करेगी। तो ये देखिए इसमें पहले कोई पौधा लगाया गया होगा, किसी कारणवश वो सूख गया या कुछ ऐसी वो हुआ तो ये चीज खाली हो गई है। अब यहाँ इस जगह को दोबारा खोद के यहाँ पर पौधा लगाया जाएगा। ये पहले इसके जो पीट बने हैं ना। अच्छा अच्छा ये जो पीट बने हैं पूरे। अच्छा 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 इसके बाद इसमें आग डाली गई है। हाँ और जो खोली मिट्टी है। अच्छा यहाँ पर मिट्टी डाली गई है। अच्छा अच्छा खाद में भी इसमें क्या है? चिकन मैन ओके। अच्छा गोबर की खाद है, नीम की खाद है। ये ढंग से ये गड्ढा बना करके इसमें पौष्टिक चीज डाली गई है। अच्छा तो मदन जी हम यहाँ पर इसलिए खोद रहे हैं क्योंकि यहाँ पहले एक पेड़ लगा था और इस जो यह जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति और बाकी जगह से अच्छी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम पहुँचे हैं कोसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में। तो हमारे संग ये टीम है कल्पतरु वृक्ष समिति की, तो हम इनसे जानकारी लेते हैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर, इनके विचार जानते हैं। तो हमारे बीच में है गणेश रावत जी। सर कुछ बताइए आज के बारे में, यहाँ पार्क के बारे में। पूरी दुनिया के लिए खास है और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना का चल रहा है, पूरा वायरस छोटे से वायरस में किस तरह से तहलका मचाया हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी आवाज़ आ रही है कि हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, कुदरत के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें जीवन जीना है और प्राकृतिक बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। ये सारी चीज़ें आज इंसान समझ रहा है। पिछले 6-7 महीने में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह लोगों को समझ में आई हैं। तो हम यहाँ कोसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में आए हैं। तो ये पार्क हम पिछले साल हमारी जो समिति है, शहर के तमाम नागरिक अलग अलग फील्ड्स के इसमें जुड़े हुए हैं और पिछले साल से हमने इसे डेवलप करना शुरू किया। इसमें करीब 2000 के आसपास पेड़ पौधे लगाए गए हैं अलग अलग प्रजातियों के, इसलिए इसे बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया गया है। बगल में कोसी नदी है तो कोसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है।
क्योंकि कोसी हमारे लिए लाइफ लाइन है, तो कोसी को बचाना भी हम सबके लिए जो है एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, युवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी आप लोगों का यहाँ पर आया है, उसने भी यहाँ पर पौधारोपण किया है। तो कुल मिला के कोसी बायोडाइवर्सिटी पार्क है, या इससे पहले फाइकस गार्डन बनाया गया था, और अलग अलग स्थानों में हमने बहुत सारे प्लांटेशन शहर में किए हैं। कायदे से वैसे तो वन विभाग ये काम करता रहता है, और यहाँ रामनगर में बहुत सारा जंगल भी है, लेकिन मैसेज ये है कि अपनी कुदरत से हम इतना सब कुछ लेते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कुछ उसे लौटाने का। तो अगर हम अपने रोज की जो डेली रूटीन है उसके अलावा हम कुछ समय अगर नेचर को, एनवायरनमेंट को और प्रकृति की सेवा में बिताएं, तो कहीं ना कहीं ये हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हमारा अपना खुद के ऊपर एक एहसान होगा जी। तो हमारे बीच में सर हैं, सर काफ़ी जानकार हैं, और यहाँ की जो देखभाल है इस पूरे पर्यावरण की, जो इन्होंने एक अपना घर बना रखा है यहाँ पर, मतलब जो ये जो वनस्पति का जो घर दिख रहा है आपको इतना बड़ा, तो इनके जो संरक्षण हैं हमारे सर हैं, तो सर कुछ बताइए यहाँ के बारे में कुछ। ये हम लोगों का एक पर्पज ये रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है ही, ये हम हरेली के दिन पिछले साल 18 अगस्त जुलाई को हमने ये इसका नींव डाली थी, और उसी दिन हमने करीब करीब यहाँ पर 1500 पौधे लगाए हैं। इसमें विभिन्न टाइप के पौधे हैं, करीब करीब 150 टाइप के इसमें पौधे हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट हैं, फाइकस वाले हैं, और जो मैमल्स, तितलियाँ, और आदि जंगली जानवर के लिए। तो हमारी ये यात्रा जो आज की थी, वो हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोसी बायोडाइवर्सिटी पार्क गए थे। तो अब हम मूव कर चुके हैं रामनगर की ओर। तो ये हमारा महाविद्यालय वाला रूट है, आप रामनगर को जानते हैं तो आपको पता होगा, ये है डिग्री कॉलेज रामनगर का महाविद्यालय, और ये रूट यहाँ से जाके चुंगी को मिल जाएगा। इस जगह को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है रामनगर महाविद्यालय को, ये आप देख सकते हैं, ये अंदर ये रूट है रामनगर का। लॉकडाउन में जो है गाड़ियों की कतारें कम है। ये है हमारे महाविद्यालय का गेट, प्यारे लाल नंदकिशोर गलवलीय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग लखनपुर चुंगी की ओर। चुंगी मेन केंद्र है रामनगर का, काफ़ी छोटा है रामनगर, लेकिन सभ्य है, खुशहाल है, आशावादी है रामनगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है जहाँ लीचियाँ भी बहुत होती हैं, आम भी बहुत होते हैं, और लोग भी बहुत अच्छे हैं हमारे रामनगर के। तो ये है रामनगर, ये है हमारे यहाँ का बोर्ड। हल्द्वानी 55 किलोमीटर है यहाँ से, नैनीताल 63 किलोमीटर, मुरादाबाद 90 किलोमीटर, काशीपुर 28 किलोमीटर, देहरादून 250 किलोमीटर। ये आ गए हम रामनगर,